दलित आदिवासी का तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र में जो अधिकार हमें वोट डालने का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और याद कीजिए आप, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया था, आज सरकार वो कानून बना रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट के हाथ में चली जाए, और जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का या मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसका क्या होगा? जो मूल भावना मंडल कमीशन की थी उससे हम कितना दूर हो गए? तो जो भारतीय जनता पार्टी एक झूठे सपने दिखा रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में बात नहीं होनी चाहिए? किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में पूरा गेहूं किसने खरीद लिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का गेहूं आईटीसी कंपनी या और कई कंपनियां प्राइवेट वो खरीद ले गई। जब आप आटा लेने जाओगे तो मुनाफा तो उनको हो रहा है, अगर किसान के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है? और अगर यूपी का किसान प्राइवेट हाथों में बिक रहा है तो मैं ये जानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भी किसान का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में चला गया होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाज। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके स्थान पर मैं जा रहा हूँ। अरे पीटीआई से देश को और देश के लोगों को जरूरत इस बात की कि देश का लोकतंत्र बचे और संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो हम लोगों को अधिकार मिले थे गरीबों को, उन अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज का दिन हम मंडल कमीशन के मसीहा को भी याद करके उन्हें याद कर सकते हैं, जिन्होंने अधिकार दिलाए, जिन्होंने सम्मान से जीने के लिए स्थान दिलाया। जहां हम मंडल जी को याद करते हैं, मंडल जयंती के रूप में उन्हें याद करते हैं, वहीं कल बाबा साहब को भी उनके स्थान पर जाकर के प्रेरणा लेने का काम करेंगे। सर महागठबंधन में आप शामिल होंगे क्या इस बार? ये सवाल बड़ा है, नाम क्या दे रहे हैं आप, लेकिन मैं ये जानता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। सर मऊ में जा रहे हैं और भी पार्टी, कमलनाथ भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।